हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आई फस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है Reagent की लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है रिएजन के लेक्चर सीरीज में हमने अब तक आपके 14 लेक्चर्स कंप्लीट कर रखे हैं अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको अगर कंटिन्यू करना होगा तो आप डायरेक्टली कंटिन्यू भी कर सकते हो तो so, देखो क्या है इस लेक्चर सीरीज में लेक्चर सीरीज में हम देखो पढ़ रहे हैं आपके रिएजेंट्स में आपको पढ़ा रहा हूँ रिएजेंट्स में अगर आप देख लोगे थमनेल तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे क्या है

Uh, आज का जो सेशन होने वाला है उसको मैं आपको देखो बताने वाला हूं कि जो रिएजेंट्स हमने पढ़े हैं वो कैसे पढ़े जो लोग अब पढ़ रहे हैं कुछ लेक्चर्स उन्होंने देख लिए बाकी लेक्चर्स उनके देखने के बाकी वो कैसे पढ़े ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ तो सेकेंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है क्रैम्स रूल एंटी क्रैम्स रूल ये सारी चीजें पढ़े थर्ड लेक्चर में आपको लिखा हुआ दिखी रहा है कि आपको थर्ड लेक्चर में हमने रिड्यूसिंग एजेंट स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू ब्रिप रिड्यूसिंग एजेंट्स एक्चुअली क्या होता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया था जो रिएजेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं उसके बाद जो बचे कुछ एग्जाम्पल थे हमने रिड्यूसिंग एजेंट में कंटिन्यू किया था नेक्स्ट फोर्थ लेक्चर में एग्जाम्पल्स उसके, उसके फिफ्थ लेक्चर में हमने डेरेविटिव देखे थे अपने अगर देखा होगा तो फिफ्थ लेक्चर में हमने डेरेविटिव ऑफ एन देखे थे उसके बाद जो सिक्स लेक्चर था हमने जो मेगा रेजन होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसमें पढ़ाता कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अल्कोहल होता है कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अमाइन होता है ये हमने पढ़ा था उसके डेरिवेटिव्स होते हैं कुछ अमाइन बनाते अमाइड से आपका अल्ड्रेड बना देते एस्टर से आपका बना देते तो वो कौन से कौन से डेरिवेटिव्स थे वो सारे डिटेल में हमने डिस्कस किए उसके बाद ये तो सारे हुए थे हमारे क्या न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स हुए थे आगे हमने उसके बाद डिस्कस किया इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं कार्बोनिल पहले अटैक करता है तो उसमें हमने डायबल पढ़ा था तो सिलेक्ट्राइड भी आपका न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट था बट डायबल आपका क्या था इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट था देन नाइन्थ लेक्चर में हमने देखा था नाइन्थ लेक्चर अगर आपको पता होगा बी एच थ्री और एल एच थ्री हमने पढ़ा हुआ था उसके बाद जो टेंथ लेक्चर था यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था जितने भी रिएजेंट्स हमने पढ़े उसमें केमोसिलेक्टिविटी हमने पढ़ी थी केमो आपको पता होगा जो फंक्शनल ग्रुप होता है किसी एक करते हैं। तो हमने केमो सिलेक्टिविटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ी थी उसमें पूरा डिटेल कवर करवाया हुआ है उसके बाद जो एरोमेटिक कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता दे है कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है वन थ्री ब्यूटाडाइन को रिड्यूस कर देता है ऐसा हमने सोलड मेटल रिडक्शन पढ़ा था सोल्युएटेड मेटल रिडक्शन में आपको पता ही है हमने क्या डिस्कस किया था हमने सारे रिएक्शन डिस्कस किए थे आपके मेटल सोल्यक्शन के उसमें रिडक्शन एक्सेट्रा सारा हमने कवर किया था उसके बाद जो रिडक्शन का इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है वो आ जाता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एंड हाइड्रोजेनालिस रिएक्शन तो इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हमने यहाँ पे देखा था आपका आप देख सकते हो जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन थे हमने लेक्चर नंबर ट्वेल्थ में कवर किए थे उसके बाद लेक्चर लेक्चर अगर करोगे आप नंबर तो लेन यानी कार्बन ब्रेक होने के जो रिएक्शन पढ़े थे डिटेल में उसके अलावा डाईमाइड रिडक्शन आपको पता है डाईमाइड रिडक्शन हमने एच टू एन टू के जो रिएक्शन थे डी टू एन टू के जो रिएक्शन थे उसके जनरेशन उसके रिएक्शन उसके एडिशन उसका मैकेनिज्म पूरा डिटेल में हमने कवर करवाया है और लास्ट में जो हमारा बचा था, डिरेक्षन, डिरेक्षन, तो वो हम वहां पर डिस्कस करेंगे अब हम जो पढ़ने वाले हैं हम ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले जो अगले सेशन होने वाला है मंडे से आपका सेशन है उसका मैंने शेड्यूल भी कर दिया है उसको पहले जाना है सब लोगों को लाइक करना है उस सेशन को और मंडे को एग्जैक्टली नाइन पीएम को प्रेजेंट रहना है वहां पे तो क्या पढ़ने वाले क्या स्ट्रेटेजी हमारी होगी जिन लोगों ने रिड्यूसिंग एजेंट के सारे लेक्चर्स देख लिए उनको क्या करना है जिन लोगों ने अभी तक आधे लेक्चर्स देखे उनको क्या करना है जिन्होंने अभी तक शुरुआत ही नहीं की जिन्होंने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं देखा उनको क्या करना है देखो डिटेल में आपको बताने वाला हूं पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर आपको पता होंगे तो ऑक्सीडेशन रियक्शन में हम थ्री टू फोर टाइप्स में उसको क्लासिफाई करेंगे अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे अब तक हमने 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 जो पढ़ा हमने पढ़ा रिड्यूसिंग एजेंट्स में क्या रिएजेंट लिख लिया लिथियम उसके सारे रिएक्शन पढ़ लिए आगे जो हम पढ़ने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में अलग थोड़ी मेरी मेथड होने वाली है जो भी मैं मेथड बताऊंगा थोड़ी अलग रहेगी आपकी यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे पहले काम समझेंगे काम समझेंगे मतलब इपोक्सीडेशन जैसे कि किसी आपको पता है डाहाइड्रोक्सिडेशन आपको पता है तो इपोक्सीडेशन हम पढ़ेंगे और इपोक्सीडेशन में हम सारे रिएजेंट्स पढ़ेंगे जो इपोक्सीडेशन करता है मतलब पहले हमने क्या पढ़ा जो एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाता है वो नहीं पढ़ा एक साथ नहीं पढ़ा हमने क्या पढ़ा एक एक रिएजेंट करके अलग अलग पढ़ा अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जैसे इपोक्सीडेशन करना है हमें तो इपोक्सीडेशन के लिए कितने मेथड्स अवेलेबल है सारे हम पढ़ेंगे डाहाइड्रोक्शन पढ़ेंगे डबल बॉन्ड पे जो भी ऑक्सीडेशन होते हैं सारे सारे रिएक्शन हम डिटेल में पढ़ने वाले उसके बाद अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन में आपके अल्कोहल का जैसे करके कार्बोनिल का हमने अल्कोहल बनाया तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके अगर कार्बोनिल एसिड एस्टर अगर बनाना होगा तो कैसे बनाओगे ये मेथड हम देखने वाले तो इसमें हम अलग अलग मेथड देखेंगे क्रोमियम बेस रिएजेंट डीएमएसओ बेस रिएजेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे मेथड हम पढ़ने वाले तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो जो हमारा अप्रोच होगा हम स्टार्ट करेंगे पहले डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन करेंगे डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन हम करेंगे पहले इपोक्सीडेशन से उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे डायहाइड्रोक्सिलेशन जो डायहाइड्रोक्सिलेशन किया उसका भी ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं उसको भी ब्रेक कर सकते हैं वो भी मेथड्स पढ़ेंगे हम जो नेचुरल प्रोडक्ट में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट है डीएमएसओ बेस्ड रिएजेंट है उसके अलावास रिएजेंट जैसे कि सिलेनियम डाइऑक्साइड डीडीक्यू ये सारे रिएजेंट भी हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके बाद का हमारा ये ऑक्सीडेशन खत्म होने के बाद का हमारा जो अप्रोच रहेगा ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स रिएजेंट्स की ओर होगा में भी हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स में हम क्या पढ़ने वाले आपका क्यूप्रेट्स गिलमन रिएजेंट आपका ग्रिगनाड आर लिथियम आर लिथियम रिएजेंट उसके अलावा मैं आपको बता दूं और भी आपके रिएजेंट्स होते हैं जैसे कि स्ट्रेकर्स रिएजेंट एक्सेट्रा बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं वो पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको उसमें कपलिंग रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो आज मैं इसलिए आया हुआ आपको बताने के लिए जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर्स लेक्चर्स आपको ऑलरेडी डन किए तो जिन लोगों ने पहला सवाल आता है सर हमने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं देखा तो उनको मैं डायरेक्ट सजेस्ट करूंगा आप वो लेक्चर्स आपके टाइम के अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखिए अगर आप सोचते हो कि हम रिकॉर्डेड में देख लेंगे हम सर बाद में देख लेंगे तो ये नहीं होगा क्योंकि दो दो घंटे के लेक्चर्स आपको आप रिकॉर्डेड सेशन में नहीं देख सकते आपको डिफिकल्टी होती है तो लाइव सेशन में आओ लाइव सेशन में बहुत मजा आता है लेक्चर में स्टूडेंट्स को भी और हमें भी बहुत मजा आता है तो लाइव सेशन में सब लोग आओ जिन्होंने एक भी लेक्चर नहीं देखा होगा वो आपको साइड बाय साइड कवर करने अभी रोज आपको देखना है सुबह वो देख लेना है और शाम को लाइव लेक्चर अटेंड करना है सर हमने रिड्यूसिंग एजेंट तो पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन आपका क्या होगा सर हमने रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ाई नहीं तो फिर हम डायरेक्टली ऑक्सर एजेंट्स के लेक्चर्स में आ सकते हैं क्या बिल्कुल आ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है बस जहां जहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा वहां वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि ये मैंने पढ़ाया था तब आपको उतना देख लेना है उस टाइम कि ये वहां पे मैंने पढ़ाया है आपको वो पता होना चाहिए नहीं तो फिर मैं वो बताता ही वो बाद में तो वो आपको समझ में आ जाएगा कुछ लोगों का ऐसा हाल है कि जिन्होंने आधे लेक्चर्स अभी तक देख रखे हैं और उनको आगे के लेक्चर्स देखने तो जिन्होंने अभी तक आधे लेक्चर्स देख रखे हैं उनको मैं बता दूं जो आधे आधे हमने देखे हुए आपने देखे वो आप कंटिन्यू रखो साइड बाय साइड देखो शाम को आपको बजे बजे का टाइमिंग होता है हमारा के टाइम को लाइव आना है जो सुबह के जो आपके लेक्चर चल रहे हैं वो कंटिन्यू करने उसमें और इसमें कोई आपको चेंज नहीं आएगा उल्टा अच्छा है आपको अगर पहले से वो देख रहे हो तो ये भी अच्छा है जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखे हैं सारे उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है सोने से सुबह सोना सोने से सुहागा हो गया ये तो बहुत अच्छी बात है उनको तो रहा देख रहे लेक्चर सीरीज के आपको मैंने बोला था मैं कंटिन्यू करूंगा तो मैं आ रहा हूं मंडे से सब लोग प्रेजेंट रहे तो मंडे का लेक्चर शेड्यूल कर दिया है मैंने अगर आपने देखा नहीं होगा तो जल्दी से देख लो जल्दी से जाओ उस सेशन को लाइक कर दो आपका पहले हम क्या देखने वाले इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे पूरा

इसलिए बोलता हूं बार बार जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो इस स्ट्रीम को जाके लाइक करना है वहां पे उसके बाद सेकेंड लेक्चर होगा का छोटा पार्ट में है तो दो लेक्चर्स मैंने इसके शेड्यूल कर रखे आगे के लेक्चर्स भी मैं जल्दी शेड्यूल करूंगा इलेवेंथ तो में शेड्यूल कर रखे आप सब लोगों को वहां पे पहले जाना है लाइक like करना है सेशन को और जिन्होंने रिमाइंडर सेट नहीं किया है रिमाइंडर भी सेट किए जो लोग नए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब करो इमीडिएटली क्योंकि ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो ये आपकी सीरीज है जो आपके बैक हो चुके रीजन सीरीज इज बैक जिसको मैंने नाम दिया है सेकंड हाफ में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कवर करेंगे डिटेल में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है तो सब लोग प्रेजेंट रहे मंडे को

उसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीजें करवाता हूँ जो आपको नहीं पता होती है जैसे कि रिव्यू आर्टिकल्स में से मैंने एग्जाम्पल निकाले, मैं मैं निकाले हुए जो आपके लिए मैं लेके आता हूं तो वो भी आप टेंशन छोड़ दो क्या करने वाले है क्या नहीं करने वाले तो वो सब हम करने वाले आप उसका टेंशन मत लो उसके अलावा आप बस लाइक करो शेयर करो दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप है ना देखो आप मुझे कहोगे सर ये एग्जैक्टली कैसे आ गया आपके तो इतना डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन आएंगे अब ये बार 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 बता रहा हूं एग्जैक्टली एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो बेनिफिट कर लो जी आर एफ कर लो गेट कर लो क्वालिफाइड हो जाओ यही तो हम लोग भी चाहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोरोना के समय में इतना पेंडेमिक चल रहा है तो इस, इसके समय में क्या करें ना कैसे पढ़ेंगे तो आप पढ़ो जहां से पॉसिबल होगा वहां से पढ़ो रेगुलर अगर आपको पढ़ना होगा और डिटेल में अगर आपको पढ़ना होगा और कम समय में आपको ज्यादा सिलेबस कवर करना होगा तो आपके लिए नेट के क्रैश कोर्स की बैच भी स्टार्ट हो चुकी है थर्ड में से उसमें आपको सारा मिलने वाला है वो बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो उस बैच का और एक बेनिफिट मैं आपको बता दूं अगर आपने क्वालिफाई कर दिया जेआरएफ कर दिया ये कर दिया तो आपको 100 परसेंट मनी बैक मिल जाएगा जितने पैसे आपने पे किए उतने पैसे आपको वापस मिल जाएंगे ये बात यहाँ पे ठीक से ठीक है तो जल्दी से जल्दी जाना है जिसको कोर्स परचेस करना है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली वेबसाइट पे नंबर दिया हुआ है उसके अलावा इस सेशन को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों के साथ शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुझे ये शेयर हुआ होना चाहिए ठीक है तो मिलते हैं मंडे को लाइव सेशन में डायरेक्टली नाइन पीएम को ठीक है सब लोग रेडी है देखते हैं कितने लोग रेडी है आना मंडे को देखेंगे हम पढ़ेंगे थैंक यू सो मच